स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं वो है, एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12 ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 3/4 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आइए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ए बी जो है वो मेरा टावर है। पहले हम लोग सी पॉइंट पे थे, सी पॉइंट से जो टेंजेंट है वो क्या है मेरा 5/12। फिर सी पॉइंट से डी पॉइंट हम लोग आए और ये जो सी से डी का डिस्टेंस है वो क्या है 192 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल किए तो टेंजेंट क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ द एंगल चेंज होके 5/12 से वो क्या हो गया 3/4। हमें जो है वो हाइट ऑफ द टावर मीन्स ए बी का लेंथ निकालना है, ए बी का लेंथ निकालना है। और सी डी मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए 192 मीटर, सी डी जो दिया हुआ है वो 192 मीटर। आइए जो गिवन है और जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं उसे लिख लेते हैं। तो लेट ए बी बी द टावर, सी एंड डी आर टू पॉइंट सच दैट सी डी इज इक्वल टू 192 मीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल अल्फा एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, पहले हम लोग ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हम लोग जब टैन अल्फा निकालेंगे तो टैन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। और tan अल्फा मेरा टेंजेंट पॉइंट सी से क्या दिया हुआ था 5/12, तो 5/12 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 5/12 बी सी, बी सी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया 5/12 बी सी। नेक्स्ट जो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है वो क्या है, ए बी डी, उस ट्राइंगल को हम लोग लेंगे तो इसमें tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी डी। और tan बीटा चेंज मीन्स टेंजेंट चेंज होके क्या हो गया मेरा 3/4, तो 3/4 इज इक्वल टू, और ए बी हम लोग क्या निकाले थे 5/12 बी सी, तो ए बी की जगह हम लोग क्या लिख दिए 5/12 बी सी बाई बी डी। अब एक चीज बताइए, बी सी बी सी ये जो कंप्लीट लेंथ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी डी लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी डी लिख सकते हैं, और सी डी मेरा क्या है 192 मीटर। तो हम लोग 192 प्लस बी डी लिख सकते हैं, 192 प्लस बी डी, तो वही हम लोग लिखेंगे 5/12 3/4 इज इक्वल टू 5/12 इंटू बी सी की जगह हम लोग क्या लिख दिए, बी डी प्लस 192 बाई बी डी। अब ये जो 5/12 है इसका साइड चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 12/5, 3/4 इंटू 12/5 इज इक्वल टू बी डी प्लस 192 बाई बी डी। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल होके ये 4 से ये 3 टाइम्स में आपका। ठीक है, अब 3 इंटू 3 9 9 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आपका बी डी 9 BD, और ये 5 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 5 BD। 9 BD इज इक्वल टू 5 BD प्लस 960, और ये क्या आ गया आपका 4 BD इज इक्वल टू 5 BD, 9 BD में से सब्ट्रैक्ट हुआ, साइड चेंज हुआ 5 BD का, तो 4 BD इज इक्वल टू 960, और BD इज इक्वल टू क्या आ गया 240 मीटर। BD इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 240 मीटर। तो जब BD मेरा 240 मीटर आ गया तो BC हम लोग क्या बताएंगे, क्या आएगा, CD प्लस BD मीन्स 192 प्लस 240, वही हम लोग लिखेंगे BC is equal to 192 plus 240 meter, that is equal to 432 meter. और AB हम लोग क्या calculate किए थे, AB is equal to 5/12 BC, तो AB मेरा क्या आ जाएगा 5/12 BC, और BC मेरा क्या है 432 meter, तो 5/12 into 432 that is equal to 180 meter. तो हम लोग क्या बोलेंगे, therefore the height of the tower is 180 meter. Okay? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।